मैजिशियंस हमें ऐसी ऐसी ट्रिक बताते हैं जिसे वो हमें हैरान करने में कभी नहीं चूकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि जादू जैसी कोई चीज़ दुनिया में नहीं होती। मैजिशियंस सिर्फ हाथों की सफाई दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन ये काम मैजिशियंस इतनी सफाई से करते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये कोई जादू कर रहा हो। लेकिन आज इस वीडियो में आप कुछ ऐसे फेमस मैजिक ट्रिक्स की सच्चाई जानने वाले हो जिसे दिखाकर मैजिशियंस लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। द फ्लाइंग बॉक्स इल्यूजन। फ्लाइंग बॉक्स इल्यूजन एक असिस्टेंट को इंट्रोड्यूस करने की फेमस मैजिक ट्रिक है, लेकिन ये ट्रिक असल में है क्या, ये देखने के लिए हम मिडिल ईस्ट के अरब गोल्ड टैलेंट को देखते हैं। इस ट्रिक की शुरुआत में मैजिशियंस के इशारे पर बॉक्स एक तरफ झुक जाता है और वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है, और ऐसे ही ये बॉक्स को लेफ्ट साइड पर घुमाता है और इसके बाद ये बॉक्स को शेक करता है जिससे बॉक्स के कुछ लेटर्स नीचे गिर जाते हैं, और इसी तरह से ये वर्ड को आगे पीछे करके इसे गर्ल वर्ड बना देता है, यानी कि ये इस डब्बे में से लड़की को निकालने वाला है। उसके बाद ये अपने जादू से बॉक्स को हवा में तैराता है और उसमें से एक लड़की बाहर आ जाती है। लेकिन आखिर इसने ये ट्रिक परफॉर्म कैसे की? जैसे कि हम देख सकते हैं कि इस बॉक्स के नीचे कुछ भी नहीं रहता है, तो आखिर इस मैजिशियन ने बिना हाथ लगाए इस बॉक्स को हवा में कैसे उड़ा दिया? असल में इस मैजिक ट्रिक का राज इस डब्बे में ही छुपा हुआ है। इस बॉक्स के पीछे एक स्टील स्ट्रक्चर लगा होता है और ये स्ट्रक्चर बॉक्स और मैजिशियन के बीच में होता है। सामने से देखने पर हमें ये स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता जिसकी मदद से डब्बा हवा में उड़ता है। असल में इस वर्टिकल रॉड पर मैजिशियन के पैर की तरह डिजाइन बनाई जाती है जिसे सामने से देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि मैजिशियन का पैर हो, लेकिन असल में वो बॉक्स का स्ट्रक्चर होता है। और मैजिशियन इस नकली पैर के पीछे अपना पैर छुपा लेता है जिसे सामने से देखने पर ऐसा लगता है जिसे बॉक्स हवा में उड़ रहा हो, और इसी बॉक्स सपोर्ट सिस्टम की मदद से बॉक्स को कितना भी ऊपर उठाया जा सकता है और कितना भी रोटेट किया जा सकता है। लेकिन आखिर इस जादूगर ने बॉक्स के लेटर्स को मूव कैसे किया? असल में जब ये बॉक्स को हिलाता है तब सिर्फ चार लेटर ही इस पर चिपके रहते हैं जो कि मैग्नेट की मदद से चिपके रहते हैं, जिसे अंदर बैठी हुई असिस्टेंट कंट्रोल कर रही होती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि इस मैजिशियन ने इस ट्रिक को परफॉर्म कैसे किया है। द डिसअपीयरिंग स्पेयर ट्रिक। जोसेफिन ली एक बहुत ही फेमस मैजिशियन है जिन्होंने ब्रिटेन गॉट टैलेंट पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाली ट्रिक परफॉर्म की थी। इन्होंने एक स्पेयर के साथ अपनी ट्रिक की शुरुआत की, लेकिन लोग हैरान तो तब रह गए जब इन्होंने स्पेयर को हवा में उड़ाना शुरू कर दिया और साथ ही इशारे से उस स्पेयर को कंट्रोल भी करती हैं। इसके अलावा इन्होंने लोगों को यकीन दिलाने के लिए इसके आसपास से हुला हुप को मूव करके दिखाया, और इसके बाद ये स्पेयर को एक डब्बे में डाल देती हैं, और ये स्पेयर इस डब्बे के सेंटर में होता है, और जब ये एक पास में रखे कपड़े को उछालती हैं तब ये देखने को मिलता है कि वो स्पेयर गायब हो जाता है, और अब ये स्पेयर इस कपड़े के नीचे होता है जो कि दिखने में एक घोस्ट की तरह लग रहा है। ऐसे ही ये दो तीन कपड़ों के साथ भी करती हैं, और इसके बाद जब ये बॉक्स खोलती हैं तब स्पेयर वहीं पर मौजूद होता है। लेकिन इस बार जब वो स्पेयर को कपड़े के नीचे छुपाती हैं तब वो खुद एक बॉक्स के अंदर जाकर बैठ जाती हैं और बॉक्स को बंद कर लेते हैं, और जब बॉक्स खुलता है तब अंदर कोई भी नहीं होता और ये टेलीपोर्ट करके इस कपड़े के नीचे से निकल जाती हैं, जिसे देखकर जजेस तक हैरान रह जाते हैं। लेकिन आखिर इन्होंने ट्रिक परफॉर्म कैसे की? इसे समझने के लिए इस ट्रिक को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहली जब वो अपने इशारे से स्पेयर को कंट्रोल करती हैं और इधर उधर घुमाती हैं, और दूसरी जब वो टेलीपोर्ट करके कपड़े के नीचे से बाहर आती हैं। पहले पार्ट में जब वो स्पेयर को हवा में इधर उधर घुमाती हैं तब ये स्पेयर एक इनविजिबल धागे से बंधा होता है जो कि स्टेज के दोनों तरफ से बंधा होता है, और स्टेज के दोनों तरफ असिस्टेंट होते हैं जो कि दोनों तरफ से स्पेयर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आखिर ये स्पेयर हवा में कैसे उड़ रहा था। लेकिन ये उड़ने वाले कपड़ों को क्या, तो ये भी दोनों तरफ से स्ट्रिंग से बंधे होते हैं, और इन कपड़ों के नीचे एक ऐसी डिवाइस लगी होती है जो कि आधे स्पेयर की शेप में होती है जो कि कपड़े के गिरने पर बिल्कुल चपटी हो जाती है, और जैसे ही जोसेफिन कपड़े के नीचे से बाहर आती हैं तब ये डिवाइस बिल्कुल प्लेन हो जाता है जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे स्पेयर गायब हो गया हो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने हुला हुप की ट्रिक को कैसे परफॉर्म किया? असल में ये हुला हुप को इस तरह से स्ट्रिंग के आसपास घुमाती हैं जिसे स्ट्रिंग को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। और अब बात करते हैं टेलीपोर्टेशन वाले पार्ट की। तो इस ट्रिक के लिए इस बॉक्स के नीचे एक सीक्रेट हिडन कंपार्टमेंट बना होता है। जोसेफिन की तरह दिखने वाली एक लड़की होती है जो कि पूरे टाइम वहीं छुपी होती है, जो बॉक्स में रखे स्फीयर को गायब और वापस रखने का काम करती है। और आखिर में जब जोसेफिन कपड़े को ऊपर की तरफ उछालती हैं तब जोसेफिन फौरन ही उस कपड़े के नीचे छुप जाती हैं, और जोसेफिन की तरह दिखने वाली लड़की जो कि पूरे टाइम सीक्रेट कंपार्टमेंट छुपी हुई थी वो बाहर आ जाती है और उस कपड़े को पकड़ लेती है, और यही असिस्टेंट बॉक्स में बैठती हुई दिखाई देती है जबकि असली जोसेफिन पास में रखे हुए कपड़े के नीचे जाकर छुप जाती है।
और इसके बाद जोसेफिन इस कपड़े के नीचे से निकलकर सबको हैरान कर देती है। द सॉ ट्रिक। अभी जिस ट्रिक को आप देखने वाले हो वो दुनिया की सबसे फेमस मैजिक ट्रिक्स में से एक है और इस मैजिक ट्रिक को ऑलमोस्ट सभी मैजिक शो में परफॉर्म किया जाता है। और ऐसी एक मैजिक ट्रिक डेविड कॉपरफील्ड ने भी की थी जो कि एक जाने माने मैजिशियन है। इस मैजिक ट्रिक में वो एक टेबल पर लेट जाते हैं और उनके असिस्टेंट एक बड़े से ब्लेड से उनके दो टुकड़े कर देते हैं जिसे देखकर जनता हैरान रह जाती है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई जानकर आप हैरान रह जाओगे क्योंकि इस ट्रिक में डेविड अकेले नहीं होते बल्कि इनके साथ एक असिस्टेंट होता है। और जो पेड़ बाहर दिखाई दे रहे हैं वो डेविड के नहीं हैं बल्कि उस असिस्टेंट के होते हैं क्योंकि डेविड अपने पैर आगे मुड़कर बैठे होते हैं और देखने में ऐसा लगता है जैसे ये एक ही बॉडी हो। इस पूरी ट्रिक का राज इस टेबल में होता है। इस टेबल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि बीच में से आसानी से ब्लेड निकल जाए और किसी को भी हर्ट भी ना हो, जिसमें डेविड अपनी निचली बॉडी को टेबल के अंदर रखकर बैठ जाते हैं और असिस्टेंट अपनी अगली बॉडी को टेबल में छुपा लेता है। लेकिन ये इतनी महारत के साथ परफॉर्म किया जाता है जिसे देखने पर यह एक ही बॉडी दिखाई पड़ती है। भले ही आप इन सभी मैजिक ट्रिक का राज जान गए हो लेकिन फिर भी इन्हें हर कोई परफॉर्म नहीं कर सकता क्योंकि इन्हें इतनी अच्छी तरह से परफॉर्म करने के लिए कई सालों की प्रैक्टिस करना पड़ती है, तब जाकर ये इतनी महारत के साथ मैजिक ट्रिक को परफॉर्म कर पाते हैं। दोस्तों, आपको इन सभी मैजिक ट्रिक में से किसकी सच्चाई जानकर हैरानी हुई नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।